जी प्रणाम। मैं सार्थक रंजन पप्पू यादव जी का पुत्र, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो, पर जैसे पापा कहते हैं कि समय और परिस्थिति के सामने किसी का बस नहीं चलता है, तो प्रणाम स्वीकार करिए मेरा। और मैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कल दो घटनाएं हुई, एक जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और दूसरी के बारे में सोच के सुकून मिलता है। कल हम सब ने मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय जो हुआ है, हम सब ने मिलकर ट्विटर पे हमने उस ट्रेंड को नंबर वन कर दिया और काफ़ी घंटों तक रहा। मैंने भी ट्वीट किया घर पे अपने आराम से सोफे में बैठ के, उसे नंबर वन ट्रेंड की दौड़ पे लगे रहे सोचा, पर वो कल हुआ और कल चला गया है। और अब जब जेल जाने की बारी आई है तो मेरे पिता अकेले हैं। कल 9 बजे से लेके कल आज सुबह 3 बजे तक वो सिर्फ एक मुजरिम की तरह ट्रीट हुए हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि उनका जुर्म है क्या। हॉस्पिटल्स की जो हालत है बिहार में, उसकी सच्चाई दिखाना जुर्म है या दवाइयां नहीं है तो जिनको जरूरत है उनको दवाइयां पहुंचाना जुर्म है, लोगों को खाना देना जुर्म है, या जो काला बाजारी चल रही है दवाइयों की उसको पेश करना जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म मेरे को यह लग रहा है कि एक नेता के घर पे जो छापा मार के उन्होंने आप लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस यूज होनी थी वो बस घर पे पड़ी हुई थी, और उन्होंने वो बस ये चाह रहे थे कि वो सारी एम्बुलेंस यूज हो आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि यही जुर्म उनका सबसे बड़ा रहा। अपना परिवार छोड़ के उन्होंने बिहार के हर एक परिवार के लिए काम करना सही समझा। हर एक परिवार की एक भी पुकार अनसुनी ना जाए, उनका बस यही मकसद है शुरुआत से। मैं हर रोज बात करता था उनसे, कल के पहले तक हर रोज, और बस एक ही चीज पूछता था मैं उनसे कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि मैं भी घर पे बैठ के आराम से आप लोगों की तरह बस देखता था कि वो उनकी वीडियोस कि कभी वो कोविड वार्ड में जा रहे हैं, पेशेंट्स के बीच में जा रहे हैं, मुर्दा घर जा रहे हैं, या भीड़ के बीच में खाना दे रहे हैं, या कोई माँ उनसे गले लग के अपने बेटी या बेटे के लिए रो रही हैं। मुझे भी यही लगता था, या तो कभी किसी मुर्दा के साइड में खड़े हैं मुर्दा घर जाके, तो वो देख के मेरे को बस यही लगता था कि दूसरी बॉडी मेरे पिता की भी हो सकती है इस महामारी के कारण। और हमेशा जब भी मैं उनसे पूछता था कि पापा मास्क पहन रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं या कुछ ध्यान रख रहे हैं, तो वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ पूरा बिहार है, उनका स्नेह है, उनकी दुआ है। और वो आज अकेले बीरपुर में पूरी रात नहीं सोए हैं और अकेले हैं, और जहां उन्हें रखा गया है वो बिल्डिंग किसी भी वक्त टूटने के दम पे है। और जब ऐसा व्यक्ति इतना काम करके इतनी सच्चाई
से काम करके अकेला पड़ जाए तो बुरा बुरा लगने वाली बात है कि उन्होंने हर एक घर के लिए अपना घर छोड़ा है, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के आप सबके बीच रहने का संकल्प लिया, आप सबके लिए जीने के लिए संकल्प लिया। हमने कल बहुत बहुत साथ दिया उनका ट्विटर पे और किस पे नहीं, पर सिर्फ ट्विटर ही चीज नहीं रह गई है, सिर्फ नंबर वन ट्रेंड होना ही नहीं रह गया है। जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के, हम लोगों ने बोलते थे आ जाइए आप वापस, आ जाइए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा, मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों की, लोगों को मेरी जरूरत है और मैं बस वही कर रहा हूं। अपने बारे में, अपनी अपनी जान के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए वो बस आप लोगों के लिए काम रात दिन करते रहे। हॉस्पिटल में छापा मारना हो तो पप्पू यादव जाएंगे, खाना देना हो तो पप्पू यादव देंगे, दवाई देना हो तो पप्पू यादव देंगे, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए तो पप्पू यादव करेंगे। अभी हमारे बीच पप्पू यादव कौन बनेगा, कहां से लाएंगे हम दूसरा? हम उन्हें अकेला इस टाइम पे नहीं छोड़ सकते। मैं बेटा हूं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं, नहीं, अगर मैं सिर्फ एक बेटे की तरह सोचता तो शायद मैं उसको जबरदस्ती बहुत पहले घर बुला चुका होता, पर मैं एक नागरिक की तरह सोचूं तो बहुत बुरा लग रहा है। जो आदमी रात दिन एक करके सिर्फ दूसरों के लिए जिए और उसके साथ ऐसा अन्याय हो, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना हम लोगों को मंजूर करना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ आप सबके सामने और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली चीज नहीं है जो हुआ है मेरे पिता के साथ, कल से हुए जा रहा है और अभी भी हो रहा है। बाढ़ का पानी हो, बाढ़ के पानी में चलना हो, या इस महामारी के टाइम पे हॉस्पिटल जाना हो, या भीड़ में जाना हो, या मुर्दा घर जाना हो, तो सिर्फ पप्पू यादव ही जाएगा, और जेल जाना हो तो सिर्फ मेरे पिता पप्पू यादव ही जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा मैं समझ नहीं रहा हूं, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है? हमेशा एक आदमी जब दूसरों के लिए जिए जा रहा है 2400 घंटे, तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा अकेला कैसे पड़ जाता है? हमेशा हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते हैं हर एक काम करने के बाद। हम अकेले पड़ जाते हैं, उसका पूरा परिवार अकेले पड़ जाता है। हम क्यों अकेले रह जाते हैं जब वो व्यक्ति रात दिन बस दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरे क्यों नहीं खड़े हो सकते उसके लिए, क्यों नहीं आवाज निकाल सकते, क्यों नहीं हम, अगर एक पप्पू यादव बिहार के लिए इतना कर सकता है तो सोचिए 2 पप्पू यादव या 10 पप्पू यादव या 1 लाख पप्पू यादव कितना करेंगे। मैं कहूंगा मेरे पिता का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक जुनून है, जो वो जुनून हर एक के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी है, मेरी बहन के अंदर भी है, मेरे भाई के अंदर भी है और आप सबके अंदर। वो सारा जुनून एक साथ अगर काम करे तो हमारा जो पहला पप्पू यादव है वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। मैं दिल से खुशगुजार हूं आप सबका कि हम सब ने कल बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया मेरे पिता को, पर अभी रुकने की बारी नहीं है।
उनको अभी तक हरास किया जा रहा है। जैसे कल रात से वो सोए नहीं है, खाए नहीं है, उनको दवाइयां उनकी उनको उनको दवाई खानी होती है, उनको शुगर है, उनका 1.25 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, राइट पैर की नसें उनकी वीक है, तो खून सर्कुलेशन नहीं होता है उनके राइट पैर में अच्छे से। और किस जुर्म में ये सजा उनको दी जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और जिनकी वजह से हो रहा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन है, और ये बिल्कुल ना समझें कि किसी को नहीं पता है कि किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। यहां कोई बच्चा नहीं है और कोई डरा हुआ नहीं है। पप्पू यादव ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा। जब ये जुनून हर एक के अंदर है और हर एक बंदा, हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक भाई जब उसके पीछे खड़ा रहेगा और उसको पूरा विश्वास है कि हर एक बिहार का व्यक्ति उनके साथ है, वो कल साबित हुआ है। मैं बस ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ कल पे ही सीमित नहीं होना चाहिए, ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। यही मेरे पिता का सबसे बड़ी जीत है। उनको पद से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत ही इसमें है कि उनके साथ सारे सच्चे लोग खड़े रहे, पूरा बिहार खड़े रहे, बिहार खुश रहे। उनकी सबसे बड़ी जीत यही है। तो जब हम सब में ये जुनून है तो हम सब मिलके इस मुहिम को, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ी है, जो ये भ्रष्टाचार मेरे पिता के खिलाफ हो रहा है, जिस जुर्म में जो कोई नहीं बता सकता, जो कोई बता ही नहीं सकता कि जुर्म है क्या, मैं चाहूंगा हम सब एक साथ मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम मेरे पिता ने छेड़ी है, लाखों की कतार में हम एक सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाएं और मेरे पिता को जो जीत हमेशा देखी है उन्होंने बिहार के लिए, वो पथ पे हम सबको चलते रहना है। इसी में उनकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है। मैं बहुत खुश नसीब महसूस करता हूं कि मैं अभी यहां बैठ के आपके सामने सब बोल पा रहा हूं। ये मेरे पिता का संघर्ष ही है जो इतना प्रेम उन्हें मिलता है, और उनके नाम की वजह से मैं यहां पे बैठा हूं तो आप सबके बीच में मेरी आवाज जा पा रही है। उनके संघर्ष को हम सबको मिलके उसकी आग को उठा के ही रखना है, बुझने नहीं देना है। प्रणाम।